हाय गाइस, दिस इज़ अज़रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो लॉ से रिलेटेड हैं, यानी जो कानून से रिलेटेड हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं वो कौन से सेंटेंसेस हैं और इंग्लिश में हमें उसे किस तरह से बोलना है। द फर्स्ट सेंटेंस इज़, अगर आपको कहना है कि उस पर खून का इल्ज़ाम लगाया गया, उस पर खून का इल्ज़ाम लगाया गया, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज अक्यूज ऑफ मर्डर। ही वॉज अक्यूज ऑफ मर्डर। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर आपको कहना है कि उस पर चोरी का इल्ज़ाम है, यानी उस पर चोरी का इल्ज़ाम है, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ अक्यूज ऑफ थेफ्ट। ही इज़ अक्यूज ऑफ थेफ्ट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर आपको कहना है कि खूनी को फांसी ज़रूर मिलनी चाहिए, खूनी को फांसी ज़रूर मिलनी चाहिए, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे द मर्डरर मस्ट बी हैंग्ड। द मर्डरर मस्ट बी हैंग्ड। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर आपको कहना है कि वह फरार हो गया है, वह फरार हो गया है, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ एब्सकॉन्डेड। ही हैज़ एब्सकॉन्डेड। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर आपको कहना है कि वह ज़मानत पर छोड़ दिया गया, वह ज़मानत पर छोड़ दिया गया, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर आपको कहना है कि वह मेरा गवाह है, वह मेरा गवाह है, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ माई विटनेस। He is my witness. And the next sentence is, अगर आपको कहना है कि वह बेगुनाह है, वह बेगुनाह है, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे he is innocent. He is innocent. And the next sentence is, अगर आपको कहना है कि उसने मेरे खिलाफ केस किया है, उसने मेरे खिलाफ केस किया है, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे he has filed a suit against me. He has filed a suit against me. And the next sentence is, अगर आपको कहना है कि पुलिस इस बारे में छानबीन कर रही है, पुलिस इस बारे में छानबीन कर रही है, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे द पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। द पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर आपको कहना है कि उसको मौत की सज़ा मिली, उसको मौत की सज़ा मिली, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे ही गॉट कैपिटल पनिशमेंट। ही गॉट कैपिटल पनिशमेंट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर आपको कहना है कि मुकदमे का क्या फ़ैसला हुआ, मुकदमे का क्या फ़ैसला हुआ, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे व्हाट वॉज द जजमेंट इन द केस। What was the judgment in the case? And the next sentence is, अगर आपको कहना है कि वह चश्मदीद गवाह है, वह चश्मदीद गवाह है, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे he is an eyewitness. He is an eyewitness. And the next sentence is, अगर आपको कहना है कि वह कानून को मानने वाला है, वह कानून को मानने वाला है, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे he is a law abiding man. He is a law abiding man. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर आपको कहना है कि खूनी को फांसी मिल चुकी है, खूनी को फांसी मिल चुकी है, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे द मर्डरर हैज़ बीन हैंग्ड। द मर्डरर हैज़ बीन हैंग्ड। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर आपको कहना है कि कानून न जानना कोई बहाना नहीं, कानून न जानना कोई बहाना नहीं, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर आपको कहना है कि जज ने चोर को सज़ा दी है, जज ने चोर को सज़ा दी है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे द जज हैज़ पनिश्ड द थीफ। द जज हैज़ पनिश्ड द थीफ। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर आपको कहना है कि इंसाफ में देर का मतलब अंधेर है, इंसाफ में देर का मतलब अंधेर है, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर आपको कहना है कि सफाई के वकील ने बहुत अच्छी पैरवी की है, सफाई के वकील ने बहुत बढ़िया पैरवी की है, बहुत अच्छी पैरवी की है, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे द डिफेंस काउंसिल आर्ग्यूड द केस वेल। द डिफेंस काउंसिल आर्ग्यूड द केस वेल। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर आपको कहना है कि वह 10 दिन जेल में रहा, वह 10 दिन जेल में रहा, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज इन द पुलिस लॉकअप फॉर 10 days। ही वॉज इन द पुलिस लॉकअप फॉर 10 days। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर आपको कहना है कि उसने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को दी है, उसने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को दी है, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ रिपोर्टेड दिस इंसिडेंट टू द पुलिस। ही हैज़ रिपोर्टेड दिस इंसिडेंट टू द पुलिस। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर आपको कहना है कि अपराधी बरी कर दिया गया, अपराधी बरी कर दिया गया, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे द क्रिमिनल वॉज एक्विटेड। द क्रिमिनल वॉज एक्विटेड। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर आपको कहना है कि शहर में बदअमनी फैली हुई है, शहर में बदअमनी फैली हुई है, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे लॉलेसनेस प्रिवेल्स इन द सिटी। लॉलेसनेस प्रिवेल्स इन द सिटी। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अगर आपको कहना है कि तुम्हारा काम गैर कानूनी है, तुम्हारा काम गैर कानूनी है, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे योर एक्ट इज़ इल्लीगल। योर एक्ट इज़ इल्लीगल। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि इंसाफ का यही तकाजा था, इंसाफ का यही तकाजा था, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे जस्टिस डिमांडेड इट, जस्टिस डिमांडेड इट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि यह कानून के खिलाफ है, यह कानून के खिलाफ है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज अगेंस्ट द लॉ, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि आप ही इंसाफ करें, आप ही इंसाफ करें, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स फॉर यू टू जज, इट्स फॉर यू टू जज। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि ये सब नकली कागज़ है, यानी ये सब नकली दस्तावेज है, ये सब नकली कागज़ है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे दीज आर ऑल फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, दीज आर ऑल फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि वकीलों ने गवाहों से सवाल किए, वकीलों ने गवाहों से सवाल किए, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे द लॉयर्स क्रॉस एग्जामिन्ड द विटनेसेस, द लॉयर्स क्रॉस एग्जामिन्ड द विटनेसेस। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि आजकल मुकदमेबाजी बढ़ गई है, आजकल मुकदमेबाजी बढ़ गई है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे नाउअडेज लिटिगेशन इज ऑन द इंक्रीज, नाउअडेज लिटिगेशन इज ऑन द इंक्रीज। मुकदमेबाजी को इंग्लिश में कहते हैं लिटिगेशन, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे नाउअडेज लिटिगेशन इज ऑन द इंक्रीज। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि मैंने उसके खिलाफ क्रिमिनल केस कर दिया है, मैंने उसके खिलाफ क्रिमिनल केस कर दिया है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव फाइल्ड अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम, आई हैव फाइल्ड अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि मजिस्ट्रेट ने अपराधी पर अपराध लगा दिया, मजिस्ट्रेट ने अपराधी पर अपराध लगा दिया, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे द मैजिस्ट्रेट कन्विक्टेड द अक्यूज्ड, द मैजिस्ट्रेट कन्विक्टेड द अक्यूज्ड। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि आखिर में अभियुक्त और अभियोग करने वाले ने समझौता कर लिया, आखिर में अभियुक्त और अभियोग करने वाले ने समझौता कर लिया, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे एट लास्ट द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज, एट लास्ट द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि जूरी ने अभियुक्त के पक्ष में निर्णय दिया, जूरी ने अभियुक्त के पक्ष में निर्णय दिया, यानी फैसला दिया, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड, द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड। तो गाइज ये थे कुछ लॉ से रिलेटेड सेंटेंसेस, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कभी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ भी सीखा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन के साथ। चलें कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।